सौ साल तो चंगा देना पर जो मनाओ बंदे रहे है, ते ये भी एदू माड़ा दिन नहीं हो सकता इतिहास के हूँ। भाई हरप्रीत की बिल्ली थैलों बहर आ गई, हूँ बोलता नहीं, चुप क्यों बैठा भी, सच बोले क्योंकि उन्होंने डर है। जथेदार भी प्रकाश सिंह बादल के लिफाफे चो, तो फिर एच जी पी सी का प्रधान भी लिफाफे चो, हूँ 27 तरीक में भी निकलना है, लिफाफे चो निकलूगा। मैं हिंदू वीरां नूं मुसलमान सिख वीरां नूं अपील कर देंगे, भाई बाद जो हम सारे मसलों एक हल है, जिन्ना चिर सिख कौन अपना घर आजाद सिख राज नहीं मिलता, खालसा नहीं मिलता, अपना घर नहीं मिलता, उन्हें चिर गल नहीं बननी। जिथे एक पासे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 100 साल दिवस मना रही है, दूजे पासे उत्थे ही सिख जथेबंदियां दे वलों 100 साल दिवस नूं लैके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अते श्रोमणी अकाली दल दोहां दे खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। सिख जथेबंदियां दे नुमाइंदियां दा कहना है कि लगातार 328 पावन सरूपां दे मामले विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्हां नूं हिसाब नहीं दे रही, जिस करके ओ इन्हां दा विरोध कर रहे ने। नाल ही सिख जथेबंदियां दे वलों ये इल्जाम भी लगाया गया कि 100 सालां दे विच विच श्रोमणी कमेटी का इतिहास श्रोमणी कमेटी के वलों ही खत्म किया जा रहा है। सिख जथेबंदियां ने सिख संगतां नूं अपील भी की कि मौजूदा प्रबंधकों नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं चोणां विच हरा के इन्हां नूं सबक सिखाया जाए। अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वलों सरदार प्रकाश सिंह बादल दे इशारे ते ओदी पुश्त पनाई हेठ अज 100 साल जिहड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी होंद आई है पहली शताब्दी मनाई जा रही है। मंजी साल दीवान हाल विखे अज उह बंदे मना रहे ने जिन्हां दा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे सिधांत दे नाल कोई तालमेल नहीं। अज उह बंदे मना रहे ने जिन्हां ने दरबार साहब ढाउण दे विच कांग्रेस बीजेपी RSS ते अडवाणी नाल मिल के सोदा साथ दित्ता ते बाहवां खड़ियां करके बाहर आ गए ने। अज उह मना रहे ने जिन्हां ने पंजाब दे पाणी लटाए ने, पंजाब दीआं धीआं भैणां दीआं बेपतियां कीतियां, साडे नौजवानां नूं कोह कोह के शहीद कीता ते करवाया, ते जथेदार कौंका जिहड़ा मेरे सामने बेअंत सिंह चीफ मिनिस्टर ने गोलियां मार के शहीद कर दिता सीगा, उन्हां दे सारे वारस ये जिहड़ा सारा कुछ मना रहे ने, अज मना रहे ने भाई जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी कीती है वो मना रहे ने, बेअदबी कराई है गुरु साहिब दे जिहड़े सरूप है, पहलां कहिंदे 267 गए फिर नहीं पता, फिर कहिंदे 328 गए फिर नहीं पता, फिर कहिंदे 453 फिर नहीं पता, 450 सरूप इत्थों चले गए ने, कित्थे चले गए ने, कनेडा नूं, ते फिर उत्थे जाके सुखबीर ने जाना सी, लॉकडाउन हो गया ते गुरु साहिब छड्ड के भज गए, ते गुरु साहिब दा अपमान हो गया वो भिज गए, अज उह बंदे मना रहे हैं। मैनूं अज जवाब दिओ खलाकी तौर पर 1947 च सिख कौम नूं अपना घर मिल गया, हिंदू कौम नूं अपना घर हिंदुस्तान मिल गया, ते मुसलमान कौम नूं अपना घर पाकिस्तान मिल गया। सिख कौम जिहड़ी आजाद बादशाही दी मालक सी, जिन्हां ने बाबा बंदा सिंह बहादुर दे रूप पहला राज कीता, सानू सारिआं नूं जमीनां मजारे सी, हिंदू मुसलमान मजारियां तों जमीनां दे मालक बनाया, फिर बघेल सिंह दा, फिर महाराजा रणजीत सिंह दा, उहनूं फांसी लगदी जिहड़ा बीबी दी जित्तों हत्थ पाउंदा सी, साडा राज नहीं मिलिआ। राज तों बाद जिहड़ा वल्लभ भाई पटेल है उन्हें साडे सिख कौम नूं कहा जरायम पेशा कौम, चोरां तौड़ां चोरां ताड़वीआं ठग्गां दी कौम, उहदा बुत ते 3300 करोड़ रुपया लाया, ते बादल ने की भेजा, तांबा भेजिआ, हुण जे उहने बादल ने तांबा भेजिआ उत्थे उन्होंने मनाउण दा हक है जी। फिर उस तो बाद साडा आनंद मैरिज एक्ट 1909 वाला चला गया, प्रकाश सिंह बादल मैंबर पार्लीमेंट रहे है, चीफ मिनिस्टर 5 वारी रहे है, उन्होंने एक वारी आवाज़ नहीं उठाई कि इन्हों हक हैगा। साडा तोशाखाना लुट लिया, सिख रेफरेंस लाइब्रेरी लै गए, साडा खजाना लै गए, सानू अजे तो यह नहीं दस्या कि संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले का तीर कित्थे है, उन्हां दा पिस्तौल कित्थे है, उन्होंने पुरातन स्वरूप कित्थे है, सतवंत सिंह ते बेअंत सिंह दे पिस्तौल कित्थे है, वर्दी कित्थे है, ते फिर सुखा ते जिंदा जिहड़े उन्हां दा जिहड़ा सारा समान कित्थे है, ते फिर ये केर सिंह होरां दा उन्हां दा कित्थे है, उहदा संस्कार कित्थे है, फुल कित्थे पाए, कौन कौन हाजरे,
हजे तक कहिंदे सी कि सिख कौम दे लीडर है ना पुछिया ना दस्या फिर इन्हां नूं हक हैगा है मनाउण दा। फिर दूजे पासे इन्हां ने साडे पंजाब दे पाणी लटाले हेडवर्स लटाले इन्हां नूं हक हैगा इन्हां मनाउण दा। फिर मैं इन्हां नूं इह पुछणा चाहुणा कि गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी हो गई 1 जून 2015 ना जोरा सिंह कमिशन ने किया ना CBI ने किया तो दो सिंह शहीद हो गए तो सरसे वाले साहब की फोटो की राखी करते रहे तो पोशाक पा के जो निकल गया वो राखी प्रकाश सिंह बादल करता रहा जेडे सरसे वाले साहब के चेले है। फिर उन्होंने सरसे वाले साहब मनो उन्होंने हक हैगा। फिर ज्ञानी गुरबचन सिंह ने सरसे वाले साहब को बिना मंगया माफ़ी दे दी कि इन्हों है हक इन्हों मना का। हुण गुरु ग्रंथ साहब के जेडे सरूप इतों गायब हो गए ने ना ये दसते ने कित्थे है कौन लै गया कित्थे बैठे है कि दसते क्यों नहीं तो की करना है। हुण मैनू दसो इन्हों हक हैगा ये मना का। ये पता कौन मना रहे हैं इत्थे बंदे जिहड़े मना रहे ने बलात्कारी है। बलात्कारी आया इत्थे कौन आया एक तो बलात्कारी सुच्चा सिंह लंगाह की टीम आई है वो मना रहे हैं। फिर इत्थे कुड़ी मार दे नड़ी मार रहे हैं बीबी जंगीर कौर आई है वो मना रहे ने। दूजे पासे करप्शन करन वाले आ रहे हैं करप्शन किने कीती है करप्शन जथेदार तोता सिंह ने करप्शन की है। तो फिर वो सबसिडियां भी खा गया दवाइया भी खा गया तो फिर जो खेतीबाड़ी मंत्री सीगा उदों फिर झोना सस्ता वेच के मंडिया रख के वो पैसे खा गया वो भ्रिष्टाचार वाले मना रहे ने। फिर मैं तुसीं दसो इस तों अलावा कौन मना रहे ने उत्थों मना रहे ने जिहड़े श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के जिन्हें मैंबर है वह गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी बोले ही नहीं फिर वह मना रहे ने। तो फिर वो कौन मना रहे हैं बसा श्रोमणी कमेटी दी आईयां स्कूलों का स्टाफ वो मना रहा बसा के नूर महलिए बंदे बैठे है। मैं दस दूँ नूर महली चुकने आए है मैं सिरसे वाले साध के जोड़े चेले है वो बसा के आए ने भंडारे वाले के चेले उन्होंने बैठ के आए ने। मैनू दसो सिख तो कोई आया ही नहीं गा जकारा किसी सिख के मूँह चाह दसो फिर वो कि चले आए बीबिया कि बीबिया साड़िया मुलाजम है हूँ भी दुरों वरतों करती है। तो फिर वो मना रहे ने। फिर मैं ये दसो जेडे बंद ने जोड़ा वल्ला कॉलेज है वो कब्जा कर लिया हो जोड़ा मजीठिया परिवार ने साडे कॉलेज पर कब्जा कर लिया हो खालस से। तो फिर दूजे पासे शाहबाद मारकंडा का जोड़ा कॉलेज है वो कब्जा जो कर लिया हो सुखबीर बादल ने साड़ी यूनीवर्सिटी है वो ट्रस्ट बन के कब्जा कर लिया हो जड़िया श्रोमणी कमेटी जमीन जायदाद वो कब्जा कर लिया हो कब्जा करने वाले मनाने का हक है बी। तो फिर दसो ये सारा इन्हों मना जोड़ा किसानों के विरुद्ध आर्डीनेंस जारी करते तो पहला मोदी ने रल गए फिर कहते किसान माड़े है फिर ड्रामा करता हुण तुसीं किसान जिहड़ा बंदा किसानां दा विरोधी होवे मजदूरां दा विरोधी होवे इन्हां ने जात पात दे विरोधी आ इत्थे बाबा जीवन सिंह दा जिहड़ा बुंगा सीगा उह ढह गया लाया नहीं अजे तक दसो जी जिहड़ा उन्होंने लाया नहीं गा उन्हां दे विरोधी मना सकते आ जी। इस करके मैं कहना भी आ जिहड़े सिख आए पता नहीं क्यों आए है पता नहीं किहड़ी दुनिया च वसदे है। अज इतिहास ये जिन्ने अज बादल दीआं बसां चढ़ के आए ना ये सारे बंदे ने अपना इतिहास कलंकित कर रहे हैं काले अखना च। ये पता कि यहोजा प्रोग्राम है जिस तरह दरबार साहब से हमला होया सी ना जनरल बराल ने सोवियत रूस कामरेडा ने किया कामरेडी सोच ने दरबार साहब ढाया इनकलाब जिंदाबाल वाले ने दरबार साहब ढाया वो दोषी है। बराले ने बैक थंडर किया माफ़ी मंग ली वो दोषी है। अज भी ये सिखा दे 100 साल तो चंगा दिन है पर जोड़ा मनाओ बंदे रहे तो ये भी एदू माड़ा दिन नहीं हो सकता इतिहास के अज नरेनु महंत के चेले बना के तो जोड़े जोड़े परिवार आए आ बीबिया आई हैं उन्होंने भी इतिहास काले अखरों से लिखा लिया कि अज गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वाले कहे मंजी साल दीवान छाया। तो हुण भाई हरप्रीत की बिल्ली थल्लों बहर आ गई हुण बोलदा नहीं चुप के बैठा भी सच बोले क्योंकि उन्होंने डर है जथेदार भी प्रकाश सिंह बादल के लिफाफे चो तो फिर SGPC का प्रधान भी लिफाफे चो हुण 27 तरीक नूं निकलना है लिफाफे चो निकलूगा हुण जां तां पता किहड़ा कढ़नगे तोता कढ़नगे जिहड़ा अंबियां टुकदा रहिंदा है जां कुड़ी मार दे नड़ी मार कढ़नगे। फिर तो मेहता नूं नहीं निकलदा हुण मेहता तां गुरु की बेअदबी च फसिया पिया है तो फिर होर किहड़ा कढ़नगे जां कौंस नूं कढ़नगे महंत नूं तो कोई माड़ा लभ जाऊगा तो माड़ा सब तो जिहड़ा माड़ा होगा वह कढ़नगे जिहड़ा RSS नूं पसंद होगा वह प्रधान बनूगा जिहड़ा RSS नूं पसंद होगा नागपुर नूं पसंद होगा क्योंकि हुक्म इत्थों चलने जारी कराने ना इत्थे जिहड़ा कब्जा जिहड़ा कीता है। सो अज दा ये सरदार सिमरजीत सिंह मान दे दिशा निर्देशों से असी ये प्रोटेस्ट के विरोध किया तो मैं सिख कौम नूं अपील करदा कि भाई तैयार हो जाओ
ਇਹ ਮੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਆਵੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੋ, ਮਹੱਲੇ ਮਹੱਲੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਨਰੇਨੂ ਮੰਤ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪੰਥ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪੱਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੱਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਤ ਪੱਪੇ ਜੇ ਬਚਾ ਲਏ, ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੱਝੂ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਚ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਖਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਐਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ, ਐਜੀਪੀਸੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਆ, ਐਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਆ, ਫਿਰ 100 ਸਾਲਾਂ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਕਿਉਂ? 100 ਸਾਲਾਂ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਅਸਲ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਰੇਨੂ ਮੰਤ ਦੇ ਕਾਬਜ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਨਰੇਨੂ ਮੰਤ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾਗਪੁਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅੱਜ। ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਓ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਗਵਤੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਲੱਤਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਤਾ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾਊਗਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਦਲਿਆ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਊਗਾ? ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਘੁੰਡ ਕੱਢਦੇ ਬੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ 50 ਹੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਅਜਲਾਸ 'ਚ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਬਦਲਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾ ਗਰੋਹ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਦੂਜੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਢਾਹਤਾ ਇੱਥੇ, 6 ਜੂਨ ਮਨਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਭੱਜ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ 11 ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਦੂਜਾ ਟੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਤੀਜਾ ਟੋਲਾ ਹੁਣ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟੋਲੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਤੋਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ 4-5 ਟੋਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਿਆਰ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਰਾਈ ਕਰਨ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਗਾਇਬ ਜੀ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ, ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਤੀਰ ਨਜਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਜੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕਿਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਭਾਈ? ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ 60 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਪੁੱਛੂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੁੱਛੂ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਬਾਪੂ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਲੱਭੂੰਗਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਪੂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਦਲ ਵਰਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਪੂ ਮਰ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਰੀ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਨ ਬਾਪੂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੁੱਲ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਲ 'ਤੇ ਬਾਪੂ ਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਪੂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬੋਲਦੇ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਮਜੀਠਾ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਗਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਸ਼ੂਤੋਸ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਨਾ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 12,000, 13,000 ਅਤੇ 600 ਪਿੰਡ ਹੈ, 13,000 600 ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂਗਾ।
है भी साढ़े थोड़ा गुरु आया कहते लिख के दे दो कि ये गुरु है वो गिनती जो पूरी करने लगे हुए हैं पर मैं कहना जे तुसी लिख के तैयार भी लैंदी ना असीं पिंड पिंड जावांगे कमेटी नूं घेरांगे थोड़ा भी पर्दाफाश करांगे जे जाली बनाया तां ये असीं बड़ी निगाह रखी हुई है तुसी कर दो गिनती वो पिंडां दा वेरवा लावांगे किहड़े पिंड च गए है वो फिर असीं पिंड कोले जावांगे गुरद्वारे जावांगे वीडियो बनावांगे काल चन्न नूं लैके जावांगे तो फिर असीं दस्सांगे कित्थे है इस करके किसी बंदे ने हजे तो 12,000 पिंड चो ये नहीं दस्या कि साडे कोले हैगे है तो एडे शर्म नाल मर जाना चाहिए फेसबुक उते देख रहे हो ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਰਹਿਮਤ ਟੀਵੀ ਵੀ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ।